और अजय चौटाला के बयान का अब है चौटाला ने पलटवार किया है। दरअसल इसराना रैली में अजय चौटाला ने कहा था कि इनेलो की एक सीट भी उन्हीं की वजह से बची है क्योंकि उन्होंने अलनाबाद में विरोध नहीं किया। अभय चौटाला ने कहा कि दुष्यंत रिजाइन देकर उनके साथ चुनाव लड़ने, अगर जीत गए तो राजनीति से वो संन्यास ले लेंगे। 20 विधायक के साथ उनको भेजा था, एकला रह गया। अरे यो भी तब रह गया जब हमने विरोध नहीं किया। मैं आपके माध्यम से उन तक कहना चाहता हूँ कि मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र से रिजाइन कर दूंगा, वो अपने वहां से रिजाइन कर दूंगा और चुनाव लड़ करके देख ले। अगर लोगों ने मुझे दोबारा विधानसभा के लिए नहीं चुन करके भेजा तो मैं राजनीतिक तौर पे संन्यास ले। हरियाणा के सियासी महाभारत में एक बार फिर से चौटाला बंधुओं ने बिगुल फूंक दिया है। पहले अजय चौटाला ने वार किया, अब अभय चौटाला ने पलटवार किया है। अभय चौटाला ने चैलेंज किया है कि अगर हिम्मत है तो दुष्यंत चौटाला रिजाइन देकर उनके साथ उपचुनाव में उतरें। अगर अभय हारे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे और दुष्यंत हारे तो ओम प्रकाश चौटाला से माफी मांगनी पड़ेगी। मैं आपके माध्यम से उन तक कहना चाहता हूँ कि मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र से रिजाइन कर दूंगा, वो अपने वहां से रिजाइन कर दें और चुनाव लड़ करके देख ले। अगर लोगों ने मुझे दोबारा विधानसभा के लिए नहीं चुन करके भेजा तो मैं राजनीतिक तौर पे संन्यास ले लूंगा, और अगर वो दोबारा चुन करके नहीं आए तो फिर उनको दोबारा से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जाकर के माफी मांग लेनी चाहिए कि हमारे से एक बड़ी भूल हो। जिनकी औकात इतनी भी नहीं है, जो अपने हल्के में आज तक लोगों का थैंक्स करने भी नहीं जा सके, वो मुझे चैलेंज कर। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, मुझे मिलेगा तो मैं जरूर उससे बात कहूंगा कि गलतफहमी क्यों रख रखी है। अगर दुष्यंत और दुष्यंत की मदर दोनों विधानसभा और लोकसभा में गए थे तो ये मेरे कहने की जरूरत नहीं है। उनके अपने बोल हैं, उनके अपने इंटरव्यूज हैं जिनमें उन्होंने बड़ा खुल करके ये कहा कि अगर अभय सिंह चौटाला हमारा चाचा हमारी पीठ के पीछे ना खड़ा होता तो हम विधानसभा और लोकसभा का मुंह नहीं देख पाते। दरअसल इस राना रैली में अजय चौटाला ने कहा था कि इनेलो को जब उनका समर्थन था तो 20 सीटों के साथ विधानसभा पहुंची थी, अब महज एक सीट पर इनेलो सिमट गई, वो भी तब जब उन्होंने एलनाबाद में विरोध नहीं किया। विरोध किया होता तो वो भी सीट इनेलो जीत नहीं पाती। 20 विधायक के साथ उनको भेजा था, एकला रह गया, और यो भी तब रह गया जब हमने विरोध नहीं किया। अगर हम जाके वहां एलनाबाद में विरोध कर देते तो वो खाता भी नहीं खुलने वाला था। खुल जाता के नहीं, नहीं। इसलिए आप सबसे विनती है कि जब वो इनेलो वाले जितने भी पुराने साथी हैं उनकी हरी पगड़ी पे या पीली सी ओर टांग दो थोड़ी सी। हरियाणा में चौटाला बंधुओं के बीच एक बार फिर जंग की शुरुआत होती दिखाई दे रही है। हालांकि राजनीति में वार पलटवार होना आम है, लेकिन जिस तरह अभय चौटाला ने अजय चौटाला के बयान का पलटवार किया है उसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। चंडीगढ़ से विपिन परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।